हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास सेवेंथ मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट ए। ओके, आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई लूट। देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट आप देखिए, 15 प्लस माइनस 8। ठीक है, तो देखिए 15 आपका प्लस में है लेकिन 8 क्या है आपका माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो गया आपका माइनस, तो 15 माइनस 8, 15 से 8 सब्ट्रैक्टिंग आ गया आंसर आपका 7। ओके, क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइनस 16 प्लस 9, इसमें आपका क्या है, 16 माइनस में है, 9 आपका प्लस में है, तो हम आपको बताएं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 से 9 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नंबर का साइन जो है आपका क्या है, माइनस में है, इसलिए -7। ओके, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम, यानी सम मीन्स होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 153 एंड माइनस 302 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एंड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 153 प्लस माइनस 302, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, 153 से माइनस करेंगे 302, तो देखिए या उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, या जब आप देखिए यहाँ पर आप 153 आपका क्या है, लेस देन है किससे, 302 से। ओके, 302 से 115 लेस देन अब करेंगे तो -149 आंसर। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए कोई नंबर यदि आपको एनी नंबर गिवन किया है, कोई नंबर दे दे 5, जैसे यहाँ पे आपका 5 है, इस पर एडिटिव इनवर्स करना है हमें, तो वी हैव क्या करेंगे, वी हैव 5, इसका रूल्स होता है ए प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखिए शो दैट एडिटिव इनवर्स, तो 5 जब यहाँ पे हम ए के प्लस पे हम क्या करेंगे, 5 रख दिए हैं, तो 5 प्लस माइनस ए, यानी प्लस माइनस यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ओके, फिर देखिए इक्वल के इधर देखिए, -5 प्लस 5 -+ -। ओके, ए भी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। एंड सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 -5 इज 5, और -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा। ओके, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 28 से हमें क्या करना है 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, अंडरस्टैंड, तो -42 पहले हम राइट करेंगे, एंड -28 हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -28 माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों साइन आपका क्या है, माइनस में है, इसलिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस में आंसर भी आएगा, तो -70। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878। ओके, फ्रॉम -34 हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है द सम, इन दोनों को सम करके 1032 एंड 878 से 8 इसको सम करके हम फ्रॉम इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो देखिए पहले आंसर हम क्या किए हैं, 1032 प्लस 878 को हम क्या किए हैं, पहले ऐड कर दिए, तो माइनस प्लस यहाँ पे देखिए 1032 माइनस में आपका है और 878 क्या है, प्लस में, तो -+, इसलिए बड़ा साइन आपका माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर भी आएगा -154। क्लियर, देखिए अब फिर इसी में हमें करना है -32 से सब्ट्रैक्ट करना जो आंसर आएगा सम करने पे, देखिए सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम -32। ठीक है, अब वी गेट हमें मिला क्या, तो -32 माइनस ब्रैकेट में -54 माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस हम आपको पहले बता दिया, -+। ओके, -34 प्लस 154, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए -34 प्लस 154
क्या करना है, सब्ट्रैक करना, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक करना। बड़ा साइन आपका प्लस में है इसलिए 154 से 34 सब्ट्रैक करेंगे तो 120। क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सब्ट्रैक माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड माइनस 67। ओके देखिए सब्ट्रैक करना है हमें किस में से, 134 फ्रॉम द सम एंड 38 एंड माइनस 87। इसको इन दोनों को सम करके फिर हमें इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक करना है। फिर देखिए फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। देखिए यहाँ से फिर हम आपको बता रहे हैं माइनस 38 प्लस माइनस 87 को हम क्या कर रहे हैं, सम किए हैं, ऐड किए हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं माइनस 38 प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ बड़ा साइन आपका क्या है, माइनस 87 बड़ा साइन है आपका, इसलिए माइनस में भी होगा। 87 से 38 सब्ट्रैक करेंगे तो 40 माइनस 49। ओके माइनस 49 यहाँ पे देखिए माइनस 49। देन अब क्या करेंगे, माइनस 49 को हम सब्ट्रैक किए हैं किस में से, माइनस 49 से सब्ट्रैक करेंगे 134। देखिए अब यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 48 माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 48 प्लस 134 माइनस 48। अब 134 से हम सब्ट्रैक कर देंगे 49 को, ठीक है, तो बड़ा साइन आपका 134 है ही, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 85। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक। हम एक दो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चंस में एक दो आंसर्स बता रहे हैं, बाकी सब आपको हिमसेल्फ सॉल्व करना है, ठीक है, अपने आप से सॉल्व करना है। हम एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं इसमें। देखिए फिल इन द ब्लैंक, 7 नंबर क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक। पहले आपका मिडल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 13, देखिए स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 13 प्लस 27 मिडल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 41 इक्वल टू माइनस 13 स्मॉल ब्रैकेट प्लस मिडल ब्रैकेट 27 प्लस, ये आपका यहाँ पे जो हम लिख दिए हैं ये आपका है फिल इन द ब्लैंक, यानी ये खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना था क्या, जो भी आप यहाँ पे मान लिया हम कुछ ना लिखें, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 13 प्लस 27 माइनस 41, ठीक है, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बता रहा है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी, बताए थे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में, उसी प्रकार इसमें से हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो देखिए माइनस 13 भी यहाँ पे है, 27 भी यहाँ पे, यहाँ पे है क्या नहीं, माइनस 41, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 41। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसे हमें सॉल्व करना है प्लस माइनस देख कर। देखिए पहले मिडिल ब्रैकेट माइनस 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 27 मिडिल ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर माइनस स्मॉल मिडिल ब्रैकेट माइनस 25 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 40 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए सेकंड लाइन आपका, हम देखिए इसको इस स्मॉल ब्रैकेट और उससे पहले माइनस को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस 13 और ये माइनस माइनस ब्रैकेट में कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, पहले ही बताए थे आपको साइन माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 27 प्लस। अब देखिए इसमें भी ऐसे किए हैं, ये भी स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो क्या हो गया, माइनस 25 प्लस 40। ओके देखिए माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे माइनस 13 और प्लस 27, तो माइनस प्लस माइनस, 27 से 13 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 14, अंडरस्टैंड, प्लस 25 माइनस माइनस 25 प्लस 40। यहाँ भी वही करेंगे, देखिए माइनस 40 से 25 हम क्या कर दिए हैं, सब्ट्रैक कर दिए हैं, तो 40 से 25 सब्ट्रैक करेंगे तो आपका आएगा 50। ओके 50 और 14 जब ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 आंसर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट में माइनस 64 एंड माइनस 64
ब्रैकेट में माइनस 36, आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल हैं, ये पूछ रहा है क्या ये इक्वल हैं। तो देखिए आंसर यहाँ से है आपका माइनस 36, सॉरी 36 माइनस 36 माइनस और ब्रैकेट में माइनस 64 इक्वल टू आपका है माइनस, सॉरी इक्वल टू आपका है माइनस 64 ब्रैकेट में फिर माइनस 36। अब देखिए ये हम कर दिए हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे हम किए हैं माइनस 36 और माइनस, ये माइनस माइनस करके प्लस कर लिया, यानी 36 प्लस क्या हो गया आपका 64 इक्वल टू, फिर ये देखिए माइनस 64 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी माइनस ब्रैकेट हटा दिया, माइनस माइनस क्या हो गया 36, फिर देखिए 64 36 को ऐड किए हैं तो आपका आ गया 100, एंड इधर भी माइनस माइनस आपका प्लस होता है, यानी दोनों साइन माइनस में तो माइनस भी होगा, यानी माइनस 100। देखिए दोनों दो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल, ठीक है, दिस इज़ नॉट इक्वल, राइट हैंड साइड नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, ओके है हियर 100 इज नॉट इक्वल माइनस 100, ओके दस दे आर नॉट इक्वल, इसलिए ये क्या है सो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है इफ़ ए इक्वल टू माइनस 8, बी इक्वल टू माइनस 7, सी इक्वल टू माइनस 6, वेरीफाई दैट ए प्लस बी ब्रेकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट में बी प्लस सी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है, इससे पहले हम आपको एक वीडियो में बताएं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, अंडरस्टैंड। देखिए अब हम इस प्लस पे ए के प्लस पे ए का वैल्यू रखेंगे, बी के प्लस पे बी का वैल्यू रखेंगे, एंड सी के प्लस पे सी का वैल्यू पुट करेंगे, अंडरस्टैंड एवरीवन। देखिए पहले हम यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को राइट करेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे राइट कर दिए। अब उस वैल्यू क्या करेंगे पुट करती हैं इसमें, एस इक्वल टू माइनस 8, बी इक्वल टू माइनस 7, सी इक्वल टू 6। देखिए अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 माइनस में है और इससे पहले प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8 माइनस 7 प्लस 6, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए इससे पहले आपका क्या है माइनस माइनस 7 प्लस 6, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे बड़ा साइन क्या है माइनस में, इसलिए माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस बताए ना, तो माइनस 8 माइनस 7 प्लस 6, अंडरस्टैंड, फिर देखिए माइनस 8 प्लस माइनस 1, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 8 और 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू, अब देखिए माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 1, तो माइनस 15 प्लस 6 यानी माइनस प्लस माइनस, तो 15 से 6 सबट्रैक करेंगे माइनस, यानी बड़ा साइन आपका देखिए ग्रेटर साइन आपका माइनस में 15, इसलिए माइनस 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी देखिए ग्रेटर साइन माइनस 8 है, इसलिए यहाँ भी माइनस 9 हो गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अंडरस्टैंड। हेंस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्व देम, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व। अब अगले वीडियो में हम जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।